आप जहां पे भी अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करते हो, हमेशा ये चीज याद रखिए, ये चीज जहन में रखिए कि वो चीज आपकी जिंदगी के ऊपर, आपके करियर के ऊपर हावी ना हो जाए। अगर वो चीज आपके करियर के ऊपर हावी हो गए, तब आपकी जिंदगी दैट विल बी मीटिंग द फेलियर्स। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है जिंदगी में। सिर्फ हमेशा ये चीजें, जो चीजें हमें अभी अच्छी लगती है ना, ये चीजें हमेशा अच्छी नहीं रहती हैं। इंसान की प्रेफरेंस चेंज होती है, इंसान की लाइकिंग चेंज होती है, इंसान के पैरामीटर्स चेंज होते हैं। सो आगे बढ़ने के बाद जो चीज आपको इस लड़कपन में, जब आप छोटे हो, टीनएजर हो, जो चीज आपको अभी पसंद है, कल जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। फिर आप उस टाइम पे ये रियलाइज करोगे कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया, अब मैं चाहती हूँ मैं अपनी जिंदगी को संवारूं, ठीक करूं, सुधारूं। आपके पास टाइम नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई हैव। तो इस टाइम पे आप वाले जाते हो, हर एक चीज जो आप करते हो अपनी जिंदगी में, कोट अनकोट, आई विल नॉट से कि ऑल ऑफ सडन यू शुड गिव अप। पहले यू ऑल ऑफ द मुस्लिम्स, वी शुड ऑलवेज लिव विद इन द पैरामीटर्स एंड डोमेन्स ऑफ इस्लाम। गेटिंग माय पॉइंट? अब कभी कभार हम बात करेंगे, चलो हम, मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो इस परस्पेक्टिव से अगर मैं आपको नसीहत करने की कोशिश करूँ, जो आपकी लाइफ है, जिस लाइफ को आप कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हो, उसमें आप अपने कैरियर को देखिए, क्या ये जो मेरी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, ये पर्सनल लाइफ मेरी कैरियर के कहीं पे आड़े तो नहीं आती है, ये मेरी पर्सनल लाइफ इस कैरियर को कहीं पे रुका तो नहीं रही है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ आपके कैरियर के आड़े आती है, इसको रुका के अपने पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा चेंज करिए। बिकॉज 3 बार मैंने बोला, जो आपका पर, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करियर। करियर बना, पर्सनल लाइफ आगे बढ़ेगी। करियर डूब गया, जो चीज आपके पास है वो भी आपसे छूट जाएगी। आई विल बैक टू दिस। जो चीज आपके पास है, जिस चीज का आपको बड़ा गुमान है, जिस चीज के लिए आपने अपने करियर को जला दिया, आपने अपने करियर को तबाह व बर्बाद कर दिया, अगर वो चीज आपके हाथ से निकल गई ना, अगर करियर आपके हाथ से निकल गया, वो चीज ऑटोमेटिकली निकल जाए। फिर एक इंसान को हो जाता है वो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना काट। सो मैं ये नहीं चाहता कि आप बच्चों के साथ, अल्लाह बचाए, ऐसी चीज आप उस चीज का शिकार हो जाए, उस गलत फहमी का शिकार हो जाए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।